आरसीआई एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, अपन काव्य शास्त्र में छंद शास्त्र के ऊपर बात कर रहे थे। छंद शास्त्र में हम छंदों के उपभेदों के ऊपर बात चल रही थी। छंदों के उपभेद कितने होते हैं, देखिए मैंने भेद भी बताए थे और उपभेद भी बताए थे कल की क्लास में। छंदों के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है, अब छंदों के उपभेद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो छंदों के उपभेद भी मैंने समझाए थे, जैसे पहला अपन ने पढ़ा था सम छंद, दूसरा पढ़ा था अपन ने अर्धसम छंद। कौन सा छंद, अर्धसम छंद। ठीक है भाई, दूसरा छंद अर्धसम छंद और तीसरा पढ़ा था अपन ने विषम छंद। ये नहीं पढ़ा था, ये आज पढ़ेंगे अपन। भाई अपन ने चर्चा की थी सम छंद किसे कहते हैं, सम छंद होता क्या है। देखिए सम छंद क्या होता है, जब प्रत्येक चरण के चारों चरण बराबर हो या प्रत्येक चरण बराबर हो। ठीक है, यानी सम छंद क्या होता है, किसी भी पद के प्रत्येक चरण बराबर होता है, चाहे वो मात्राओं के आधार पर हो और चाहे वो वर्णों के आधार पर हो। भाई सीधी सी बात है, मात्राओं के आधार पर जो बराबर प्रत्येक चरण होगा वो सम मात्रिक छंद कहलाएगा। इसी तरह से जो वर्णों के आधार पर प्रत्येक चरण बराबर होता है तो वो समवर्णिक छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है, समवर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने उदाहरण भी बताया था सम छंद, यानी जैसे चौपाई एक क्या है, सम मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, सम मात्रिक छंद है। इस तरह से सम छंद जिसमें प्रत्येक चरण क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक चरण की अंतर्गत मात्रा और वर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या कि सम छंद, उसे हम सम छंद कहेंगे। समझ में आ गई बात, उसे कहते हैं हम सम छंद। आगे बात करें, दूसरा अपन ने अब पढ़ा था वार्णिक छंद। अपन ने दूसरा छंद पढ़ा था वार्णिक छंद, सॉरी अर्धसम छंद। कौन सा छंद, अर्धसम छंद। अर्धसम छंद देखो, जिसमें पहला और तीसरा चरण यानी विषम चरण, पहला और तीसरा चरण यानी विषम चरण क्या हो, बराबर हो। पहला और तीसरा चरण क्या हो, बराबर हो। यानी भाई विषम चरण क्या हो, बराबर होने चाहिए, बराबर। ठीक है, पहला और तीसरा चरण बराबर हो, दूसरा और चौथा चरण यानी सम चरण क्या हो, सम चरण क्या हो बराबर हो। भाई पहला और तीसरा चरण बराबर हो, दूसरा और चौथा चरण क्या होना चाहिए बराबर हो। ठीक है भाई, अर्धसम का मतलब ही यही हुआ, आधा सम, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, इस तरह से ये चरण बराबर होने चाहिए, वो छंद कौन सा छंद माना जाएगा, अर्धसम माना जाएगा। एक होता है विषम छंद, क्या होता है, विषम छंद। देखिए विषम छंद होता क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरा छंद अपना रह गया था विषम छंद। अर्धसम में तो मैंने आपको बताया था, जैसे दोहा, सौठा, रौला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सारे छंद क्या है, अर्धसम छंद है। कैसे छंद है, अर्धसम छंद है। ठीक है, अब बात करेंगे हम विषम छंदों के ऊपर। कौन से छंद के ऊपर, विषम छंद। देखिए विषम छंद होते क्या है, कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें चार चरण होते हैं, कुछ छंद तो ऐसे होते हैं जिनमें चार चरण होते हैं, और कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें चार से अधिक चरण होते हैं। तो चार से अधिक चरण मतलब क्या होगा, या तो छह चरण हो, या तो कितने चरण हो, छह चरण हो, या फिर आठ चरण हो। कितने चरण हो, आठ चरण हो। भाई सीधी सी बात है, खेतों कितने चरण हो, छह चरण हो, या फिर क्या हो, आठ चरण हो।
ठीक है, चार से अधिक चरण हो, चार से अधिक चरण हो, ठीक है, उस छंद को क्या कहा जाता है? विषम छंद कहा जाता है। कौन सा छंद कहा जाता है? विषम छंद। भाई तीन प्रकार की उद्भिद हुई, सम छंद जिसमें प्रत्येक चरण में समान हो, प्रत्येक चरण समान होना चाहिए, चाहे मात्रा के आधार पर हो और चाहे वर्ण के आधार पर। दूसरा अर्धसम छंद पढ़ा, अर्धसम छंद अपना क्या कहता है? आधा समान, आधे आधे समान होने चाहिए, यानी पहला और तीसरा चरण बराबर हो और दूसरा और चौथा चरण क्या हो? बराबर हो, वो होता है अर्धसम छंद। एक होता है विषम छंद। विषम छंद क्या होता है? जो छंद चार चरण से अधिक चरण का से निर्मित हो, यानी जो जिस छंद का निर्माण चार चरण से अधिक चरणों से बनाओ, जिसमें छह चरणों या आठ चरणों, ठीक है, इन चरणों से निर्मित जो छंद होता है वो छंद होता है विषम छंद। तो ये तीन उद्भिद हुई अपने छंदों के। अब बात करेंगे हम छंदों के प्रकार के ऊपर, एक एक छंद के ऊपर चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। ये तो अपन ने पढ़ा था, सीधी सी बात है, छंद का शाब्दिक अर्थ, छंद की परिभाषा, ठीक है, छंद के कौन कौन से अवयव होते हैं उन अवयवों के ऊपर, फिर अपन ने पढ़ा था छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार होते हैं तो उन प्रकारों के ऊपर चर्चा की थी, फिर अपन ने पढ़ा है छंदों के उद्भेद के ऊपर कि छंदों के और उद्भेद कितने किए जाते हैं। तो ये तीन उद्भेद हैं। अब बात करेंगे अपन आगे, अब छंदों के प्रकार के ऊपर बात करते हैं कि छंदों के प्रकार में कौन कौन से छंद आते हैं। देखो विषम छंद अभी पढ़ा था, विषम छंद में जैसे कुंडलिया, छप्पे, ऐसे छंद होते हैं, ये विषम छंद होते हैं। कुंडलिया, छप्पे छंद, ये दोनों छंद कैसे हैं? विषम छंद है। अब बात करते हैं अपन छंदों में, पहला छंद लेके चलेंगे मात्रिक छंद। पहला छंद कौन सा छंद लेके चलेंगे? मात्रिक छंद, ठीक है, क्योंकि छंदों के मैंने कितने प्रकार बताए थे? दो प्रकार बताए थे। तो पहला छंद लेके चलते हैं मात्रिक छंद। अब देखो मात्रिक छंदों में आपको मैंने बताया था जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है, मात्राओं की गिनती होती है, वो छंद कैसा माना जाता है? मात्रिक छंद माना जाता है। मात्रिक छंदों में देखो पहला छंद लेके चलते हैं दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा, ठीक है। दोहा होता क्या है? आपने खूब पढ़ा भी है, दोहा है क्या, ठीक है, कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंदों में भी मैंने बात की थी उपभेदों के ऊपर कि छंदों के उपभेद भी होते हैं। तो सीधी सी बात है, तीन उपभेद होते हैं, सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद। दोहा कैसा छंद है? दोहा एक अर्धसम छंद है। कैसा छंद है? अर्धसम छंद है, अर्धसम मात्रिक। कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है भाई? अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसमें पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला और तीसरा चरण क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा और चौथा चरण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है, चौथा पहला दूसरा और चौथा चरण क्या होता है? बराबर होता है। इस तरह से आधा सम और आधा अर्ध सम, ठीक है, कहने का मतलब पहला और तीसरा विषम चरण बराबर हो और सम चरण बराबर हो, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में, किससे कौन से चरणों में? विषम चरणों में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13-13 मात्रा होनी चाहिए। कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13-13 मात्रा होनी चाहिए। वो छंद कौन सा होगा? दोहा। तो पहले और तीसरे चरण में क्या कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरणों में, कौन से चरणों में? सम चरणों में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11-11 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है। और टोटल जो मात्राएं, कुल मात्राओं की संख्या वो कितनी होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए।
अगर 24 से 25 भी हो जाती है तो अपना दोहा छंद नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं हमने क्या किए, गड़बड़ की है। इसलिए 24 मात्राएं होनी चाहिए, कुल मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। कौन सी छंद में? मात्रिक छंद दोहा, ठीक है, असम मात्रिक छंद। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, एक उदाहरण देखिए, अभी मैंने कहा था रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, पानी बिन पानी सब सुन, ठीक है। पानी गए न उबरे, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन, मोती मानुष चुन, मोती मानुष चुन। अब देखो ये दोहा है या और कोई सा छंद है? देखिए जहां मात्रा गड़बड़ाई वहां छंद गड़बड़ाया, जहां मात्रा गड़बड़ाई वहां छंद गड़बड़ा गया। तो मैंने आपको मात्रा लगाने का नियम सिखाए थे, नौ नियम, ठीक है। कितने नियमों के ऊपर चर्चा की थी अपन ने? नौ नियमों के ऊपर चर्चा की थी। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि दोहा छंद है? क्या कारण है? कैसे मान सकते हैं कि ये दोहा है? देखिए पहला और तीसरा चरण क्या होना चाहिए, यानी विषम चरण कितने होने चाहिए, इनमें कितने कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। तो पहले चरण को गिन के देखता हूं 13 मात्राएं है कि नहीं। भाई सीधी सी बात है, लघु 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 कितनी हो गई? 4 हो गई। गुरु गुरु कितनी हो गई? 4, 4 4 8 मात्रा हो गई। 8 2 10 गुरु है, फिर 10 1 11, 11 और 2 13। पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्राएं हो गई। तो पहले चरण सही है। अब देखो मात्रा भी सही होनी चाहिए, तो मात्रा सही होगी कब होगी? जब हम शुद्ध लिखेंगे। देखो छंदों को पढ़ते समय हमें शुद्ध और अशुद्धि की जानकारी भी हो जाती है कि हमने कहां पर गलती की है, कहां पर मात्रा को छोटा बड़ा किया है, वो पकड़ में आ जाती है अपनी गलती। अब देखो जहां पर अपन ने गलती की होती है वहां मात्रा बैठती नहीं, तो सीधी सी बात है 13 मात्राएं हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 13, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे चरण में, दूसरे यानी सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? सम चरणों में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। तो दूसरे चरण में 11 मात्रा है या नहीं? भाई देखो लघु लघु 2, गुरु गुरु 4, 4 2 6 6 7, 1 8, 8 2 10 11। इस तरह से दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11। भाई पहले चरण में तो 13 हो गई और दूसरे चरण में कितनी हो गई? 11 मात्राएं होगी। अब तीसरे चरण में भी 13 होनी चाहिए, क्योंकि पहला और तीसरा चरण क्या होना चाहिए? बराबर है। गुरु गुरु 4 हो गई, 4 1 5, 5 और 2 7 7 और 2 8 1 9, 9 1 10 10 1 11 11 और 2 13, कितनी होगी? 13 मात्राएं होगी। इसका मतलब यहां पर, यहां तक अपना क्या है? शुद्ध है, सही है। अब इसके बाद अपनी कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। अगर 11 से कम रहती है या ज्यादा होती है तो गलत है। तो गुरु लघु 3 मात्रा हो गई, 3 और 2 5 5 और 1 6 1 7 7 और 2 8 1 9 9 और 1 10, कहीं ना कहीं अपन ने क्या किए? गड़बड़ की है। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हमने गलती की है, इस कारण से हमारी मात्रा नहीं बैठी। भाई 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6 7 8 1 9 और 1 10, कितने होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। तो देखो पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो कहां पर गलती कर सकते हैं हम? नू को क्या किया है अपन ने? छोटा किया है, जबकि आना कैसा चाहिए? बड़ा। अब बैठ गए अपनी 11। तो इस तरह से हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, अपनी गलती भी पकड़ में आ जाती है, ठीक है। अब देखो दोहा छंद क्या और कहता है कि किसी भी उदाहरण में, यानी किसी भी चरण के अंत में एक समान दो वर्ण है, यानी या तो दोनों लघु होने चाहिए, अंत में या तो दोनों क्या होने चाहिए? लघु होने चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए? या तो दोनों लघु होने चाहिए, या गुरु और लघु का संयोग होना चाहिए, ठीक है। गुरु और लघु, गुरु और लघु
इसका क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। कहां पर? किसी भी उदाहरण के अंत में, किसी भी उदाहरण के अंत में इस तरह से गुरु लघु का संयोग होना चाहिए, तभी हम अपना क्या है वो छंद कैसा मानेंगे, दोहा छंद मानेंगे, अन्यथा उसको दोहा छंद नहीं कह सकते। तो समझ में आ गई होगी बात, दोहा छंद की परिभाषा है कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि ये मात्रिक छंद है, मात्रिक छंदों में अर्धसम है। अर्धसम क्यों है? क्योंकि पहला और तीसरा चरण बराबर, दूसरा और चौथा चरण क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहले और तीसरे चरण विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। कुल मात्राओं की संख्या क्या होती है, 24 होती है। कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है, ठीक है। वहां पर दोहा छंद होता है तथा अंत में गुरु और लघु, गुरु और लघु मात्राओं का संयोग होना चाहिए। गुरु और लघु मात्राओं का क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, ठीक है। गुरु और लघु मात्रा आनी चाहिए, तभी वो छंद कौन सा होगा, दोहा छंद होगा। जैसे उदाहरण अपन ने पढ़ा था, इस उदाहरण में पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, तीसरे चरण में फिर 13 मात्रा और चौथे चरण में कितनी मात्रा, 11 मात्रा। तो इस तरह से अपनी 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती है, ठीक है। इस तरह से अपना ये पहला छंद हुआ दोहा छंद, जो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अपना अगला मात्रिक छंद के ऊपर बात करेंगे। अगला मात्रिक छंद आता है अपना सौठा, अगला मात्रिक छंद आता है सौठा छंद। तो देखिए सौठा होता क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सौठा छंद के ऊपर चर्चा करते हैं, देखिए सौठा होता क्या है, सौठा सौठा छंद ये भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। अभी बताया था मैंने अर्धसम मात्रिक छंद क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है। सौठा कैसा छंद है भाई, अर्धसम मात्रिक छंद है। अब अर्धसम मात्रिक क्यों है, क्योंकि इसमें भी वही बात है, पहला और तीसरा चरण यानी विषम चरण और दूसरा और चौथा चरण सम चरण, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये दोही से उल्टा होता है, ध्यान रखना ये दोहा से क्या होता है, दोहा से उल्टा होता है। कौन सा छंद, सौठा छंद। अब दोही से उल्टा कैसे हुआ भाई, सीधी सी बात है, पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरण में, कौन से चरण में, विषम चरण में, विषम चरण में दोही छंद में तो 13-13 मात्राएं होती है, लेकिन यहां पर कितनी कितनी होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी। कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी। इसी तरह से दूसरे और चौथे चरण यानी सम चरण, दूसरे और चौथे चरण यानी सम चरण, सम चरणों में वहां पर 11-11 होती थी, यहां पर क्या होंगी, 13-13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती है। इस तरह से मात्राओं का विभाजन होता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसको मैंने कहा था दोहे से उल्टा होता है, वही कुल मात्राएं 24 होती हैं भाई, दोहे में भी 24 मात्राएं होती हैं, तो इसमें भी कितनी मात्राएं होती हैं, कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है, ठीक है। इस तरह से 24 मात्राएं होती है, इसलिए ये वो छंद कौन सा छंद माना जाएगा, सौठा छंद माना जाएगा। जैसे उदाहरण करते हैं, जैसे हिम्मत कीमत होए, हिम्मत कीमत होए, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत, बिन हिम्मत कीमत नहीं, ठीक है। इसी तरह से आदर करे ने कोई, आदर करे ने कोई, आदर करे ने कोई, रद कागज जू राजिया, रद कागज जू राजिया, ये राजिया का एक सौठा है, ठीक है। अब कैसे माने कि इसको सौठा है, वही तरीका है। तो आपको मैंने नियम बताए थे मात्रा लगाने के नियम, वो नियम होने चाहिए। जैसे भाई ये लघु वर्ण है, लेकिन इससे आगे आधा वर्ण भी तो है, आधा वर्ण अपने
पूर्ववर्ती को क्या करता है, गुरु करता है, बताया था पहला नियम, तो ये अपना गुरु हो गया। इसकी गिनती हम नहीं करेंगे क्योंकि आधावर्ण किसी के ऊपर बलाघात नहीं करता है। ये लघु, ये लघु, चार हो गई, चार दो छह, छह रेख सात रेख आठ, आठ दो दस, दस रेख ग्यारह। इस तरह से पहले चरण में अपने पास कितनी मात्राएं बैठ गई, ग्यारह मात्राएं बैठ गई। ठीक है, कहीं गलती होगी, कहीं हमने गलती की है तो वहां मात्राओं की संख्या बैठेगी नहीं, वहां पर छंद है वो डगमगा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लघु लघु दो, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, दो और दो चार और दो छह, छह हो गई, छह और दो आठ, आठ एक नौ दस, दस दो बारह एक तेरह। तो दूसरे चरण में कितनी बैठ गई भाई, तेरह मात्राएं बैठ गई। ठीक है, नियम भी अपना यही कहता है कि पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह और दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होनी चाहिए। इसी तरह से फिर तीसरा चरण होता है, तीसरे चरण यानी कि इसमें ग्यारह मात्राएं होनी चाहिए, दो एक तीन एक चार, या भाई गुरु लघु लघु, गुरु की गिनती दो में करते हैं, लघु की गिनती एक में करते हैं, तो गुरु लघु लघु चार हो गई, चार रेख पांच, पांच दो सात, सात रेख आठ, आठ दो दस, दस रेख ग्यारह, कितनी होगी, ग्यारह मात्राएं हो गई, यहां ग्यारह हो गई। अब कितने होनी चाहिए, तेरह होनी चाहिए। देखो कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ भी की है इसमें, आगे जाके मैंने क्या कर दी, गड़बड़ की है, उसको पहचाने कहां पर मैंने गड़बड़ की है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लग जाता है तो वो वर्ण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, और आधे वर्ण की गिनती हम करते भी नहीं है। आधा वर्ण हमेशा अपने पूर्ववर्ती को गुरु करता है, तो देखिए ये वर्ण कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आगे हलंत है इसलिए ये वर्ण गुरु हो गया। तो दो इसकी कोई मात्रा नहीं मानेंगे क्योंकि ये अपने पूर्ववर्ती को गुरु कर चुका। दो और दो चार, चार एक पांच एक छह, छह अब इसकी गिनती हम करेंगे नहीं जू, क्योंकि आधा वर्ण पहले आ चुका, इसलिए आधा वर्ण किसी के ऊपर बलाघात थोड़ी कर रहे हैं, तो इसकी गिनती नहीं करेंगे। यूं भाई चंद्रबिंदु युक्त वर्ण कैसा होता है, लघु होता है, लेकिन यहां पर यू पड़ा है तो गुरु। भाई दो दो चार, चार और दो छह, छह दो आठ, आठ दो दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह। इस तरह से चौथे चरण में कितनी मात्रा बैठ गई, तेरह मात्राएं बैठ गई। अब एक चीज और लागू होती है कि अंत में वही क्या होना चाहिए, गुरु लघु का संयोग होना चाहिए, लघु गुरु का संयोग, किसका संयोग होना चाहिए, लघु और गुरु का संयोग होना चाहिए। भाई उसमें तो अपन ने क्या पढ़ा था, गुरु और लघु का संयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लघु और गुरु का संयोग होना चाहिए। तो देखिए अंत में लघु और गुरु का संयोग है या नहीं है, इस तरह से यहाँ पर कौन सा छंद हुआ, सौठा छंद हुआ, इसे कहते हैं हम सौठा छंद। इसी तरह से एक छंद और होता है रोला छंद, जो सौठे छंद की भांति होता है। वही उसमें भी पहला और तीसरा चरण विषम चरण, उसमें भी ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण उसमें भी तेरह तेरह मात्राएं होती है, लेकिन उसमें चौबीस कलाएं होती हैं। कितनी कलाएं होती हैं, चौबीस कलाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा की चौबीस कलाएं हैं, उसी तरह से रोला जो छंद है उसकी चौबीस कलाएं होती हैं। तो चौबीस कलाओं से निर्मित होता है वो छंद होता है रोला। ठीक है भाई, सौठा और रोला छंद में यही अंतर है कि परिभाषा तो दोनों की सेम है, भाई अर्धसम मात्रिक छंद ये है और अर्धसम मात्रिक छंद वो है, बस ये अंतर ये कि इसमें कलाएं नहीं होती हैं, उसमें कलाएं हो जाती हैं, 24 कलाओं से बनकर एक रोला छंद का निर्माण होता है। तो इस तरह से 24 कलाओं से मिलकर रोले छंद के निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये हुआ अपना सौठा छंद कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे तीसरा मात्रिक छंद, वो आता है चौपाई। तीसरा मात्रिक छंद आता है चौपाई, तो चौपाई के ऊपर चर्चा करें, चौपाई छंद होता क्या है, किस प्रकार का छंद है चौपाई छंद, उसके ऊपर बात करते हैं। तो
चौपाई छंद, तीसरा मात्रिक छंद आता है चौपाई। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है चौपाई। चौका मतलब चार, पाई का मतलब पांव या चरण, पांव या चरण। जिस छंद में चार चरण हो, जिस छंद में कितने चरण हो, चार चरण हो भाई, जिस छंद में चार चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, चार चरण, वो छंद कौन सा है, चौपाई। ठीक है, अब चौपाई जो छंद है उसके चार चरण होते हैं यानी चार पांव होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।